हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 जुलाई रेलवे का V1 मैं आपके लिए लेके आऊँ, यानी कि वीडियो 1 28 जुलाई 2018 के लिए लेके आऊँ। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न थे 2010 में, उन्हीं से मैंने ये प्रश्न लिया है, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया प्रश्न है। आपके 12 प्रश्न मैंने जीके के लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में 2010 के पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तो वीडियो वन है, ये वी वन है, 28 जुलाई का। 4 वीडियोस मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेगा, फिर मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास जो आया है मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और मिलाते रहिएगा, 5 सेकंड बाद में बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो मिलाते रहिएगा। और लास्ट में बताइएगा कि आपने 12 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो 12 क्वेश्चन हमने लिया है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। दोस्तों घाव भरने में जो सहायक होता है वो होता है डी, इसका सही आंसर होगा विटामिन के। दोस्तों अगर पूछता है कि थक्का जमाने में कौन सा विटामिन का काम आता है या कौन सा सहायक है, तभी भी आप करेंगे विटामिन के, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा विटामिन के, यानी कि डी। डी जिन लोगों ने राइट किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ध्वनि का वेग इनमें से किस में ज़्यादा होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कि ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा ए, इस्पात में। देखिए दोस्तों जब भी पूछे कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जो भी ठोस आपको दिखे उसको आप टिक कर सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आपके ऑप्शन में, तो इस्पात में जो होगा ध्वनि का जो है वेग सबसे ज़्यादा होगा। निर्वात यानी कि जहाँ पे माध्यम नहीं हो तो यहाँ वहाँ पर होगा ही नहीं, और जल और इस्पात में से हमको छाँटना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। जिन लोगों ने ए सही किया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमको बताना है इसमें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए। 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ए बी सी डी से सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड या फाल्के पुरस्कार अगर आपसे पूछता है तो सिनेमा पे आप टिक कर सकते हैं, बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों फिल्म जगत में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा में, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी सही किया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, इसमें हमको बताना है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। एबीसीडी में से कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड में, 5 सेकंड बाद में बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी, कोई निश्चित नहीं है, मतलब कभी तक ये जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। जिन लोगों ने डी सही किया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमको बताना है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? एबीसीडी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, विमान। विमान का जो है चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों ने ए सही किया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एफिल टावर स्थित है, कहाँ पर एफिल टावर स्थित है वो हमको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। एबीसी में से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और मिलाते रहिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। एफिल टावर जो है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरिस में है। जिन लोगों ने सी आंसर किया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल बताइए कमेंट बॉक्स में, एबीसीडी से सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा डी, कमल। जिन लोगों ने आंसर किया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, एबीसीडी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया, और इसका जो सही आंसर होगा ए, 5 वर्ष होती है दोस्तों। जिन लोगों ने ए आंसर किया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमको बताना है गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन, ये 2010 में पूछा गया था। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कि एबीसीडी सही आंसर क्या होगा इसका। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया, और इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, 280 दिन दोस्तों। गाय का गर्भाधान काल 280 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमको बताना है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, एबीसीडी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्या सही आंसर होगा इसका। चोल प्रशासन की दोस्तों जो मुख्य व्यवस्था मतलब विशेषता थी, वो जो सही आंसर होगा बी, ग्रामीण स्वायत्तता थी दोस्तों। जिन लोगों ने बी आंसर किया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्रामीण स्वायत्तता जो थी वो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमको बताना है टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी, यानी कि कौन से स्थान पर थी टीपू सुल्तान की राजधानी। एबीसीडी में से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम, इसका जो सही आंसर होगा ए। जिन लोगों ने आंसर किया है ए, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो आपका 2010 में पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद बताइएगा कि आपने 12 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर जरूर बताइएगा दोस्तों। लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अलबरूनी जो है किसके शासन काल में इतिहासकार था। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, अलबरूनी जो है किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए, महमूद गजनवी के जो है, महमूद गजनी के जो है शासनकाल में अलबरूनी जो था इतिहासकार था, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो, हमारे प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपने 12 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है, देखो सीखो स्टडी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें।
देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।